कैसा सीन है? सीन तो बढ़िया है भाई, ठंडा लग रहा है अंदर मस्त। गाइस मछली, ये था मछली, लड़ना नहीं आपस में, सबको मिलेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं कुइलीगुगर, जो कि ये एक और नए पिकनिक स्पॉट से। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और ये है आज का डेट, 2 जनवरी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही हमारा ब्लॉग देखते रहो और इन्जॉय करो इस ब्लॉग में। और नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों से वहाँ पहुँचने के बाद, जो कि यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर है। तो चलो इन्जॉय करो इस ब्लॉग को और बने रहो। और यहाँ पे अभी हमारा टैक्स कटेगी। तो गैस अभी हम लोग का दर्शन हुआ नहीं, क्योंकि मंदिर अभी जो है बंद है। पता नहीं कुछ कारण होगा, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं जिससे हम लोग पूछ सकें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ से नीचे, उधर एक और मंदिर है वहाँ दर्शन करते हैं, देखते हैं वो मंदिर खुला है कि नहीं खुला है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे वाटरफॉल तरफ। तो आप इस ब्लॉग में बने रहो और इन्जॉय करो इस ब्लॉग को, क्यों राजा? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही ना। हाँ, चलो एंजॉय करो। तो गैस आ गए हम लोग फाइनली मंदिर, कुछ इस टाइप का है। जा सकते हैं क्या? फाइनली दर्शन हो चुका है और अभी चलते हैं उस तरफ जिधर वाटरफॉल है। सबका एंगेजमेंट उधर ही होता है, तो अभी चलो वहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं। वहाँ पे साउंड भी आ रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक करने। ये तो एक तो टूरिज्म है, मंदिर है, वाटरफॉल है। आप आओगे तो आपको यहाँ बहुत ही मज़ा लगेगा, क्यों राजा? हाँ। जैसे तो राजा अभी नाश्ता करके नहीं आता, तो अभी नाश्ता किया है, वो भी फास्ट फूड सुबह सुबह मिल गया, राजा खुश हो गया, क्यों राजा? तो अभी चलते हैं। और राजा अभी मछलियों को दाना डाल रहा है, राजा चारा डाल रहा है ना राजा? और ये देखो गैस मछली, ये देखो मछली, लड़ना नहीं आपस में, सबको मिलेगा। ये देखो मच्छी, देखो राइट शाबाश राइट। अरे यहाँ पास में डाल, पास में डाल, पास में डाल। और गैस ये है शिवलिंग, जो कि यहाँ सावन में इतना भीड़ होता है आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 200 मीटर तक लाइन लगे रहता है। और ये है हमारा झरना, जो कि लोगों को यहाँ पे एट्रैक्टिव करता है सबसे ज़्यादा। अभी तो फिलहाल पानी का बहाव कम है, पानी नहीं है, जब पानी रहता है तो पूरा ये मंदिर का पूरा अटैच होके आता है। और वहाँ पर अभी एक है शिवलिंग, जो कि वहाँ जाने में रिक्स से देखते हैं, अगर जाने होता है तो जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये रहा मेन सीन हमारा झरना,
जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव करता है। और जैसे कि मैं आज बताया था, आज है 2 तारीख 2 जनवरी, आज भी लोग बहुत लोग आए हैं पिकनिक करने के लिए। पिकनिक और टूरिज्म के लिए ये जाना जाता है कुइली गुगर का नाम से। तो गाइस यहाँ से व्यूज, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है जो कि मेरा पीछे में देख सकते हो कि पूरा झरना का जो साउंड है और पीछे मंदिर बैकग्राउंड में। और अभी आज का डेट, आज है 2 तारीख, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। और आज भी लोग, बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, जो कि ये पिकनिक टूरिज़्म और मंदिर और झरना यहाँ पर आप लोगों को इतना एट्रैक्टिव करेगा जो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो चलो और भी घूमते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बस बने रहो ब्लॉग में और एंजॉय करो। और यहाँ पे बंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का नज़ारा है। और हम लोग झरना को अभी देखने के लिए कितना स्ट्रगल करके जा रहे हैं। देखो यहाँ पे रास्ता नहीं है। क्यों राजा, चलो नीचे, चलो राजा नीचे, चलो चलो, हम आपका पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो बढ़िया से, हाँ संभल के चलो। तो राजा अभी देखो ऐसा पहाड़ का घर, पहाड़ गुफा, एक के ऊपर एक पहाड़ रखा हुआ है, पत्थर पत्थर पहाड़ है। दे आ, इसका अंदर घुस गया है राजा। ना राजा, कैसा कैसा सीन है? सीन तो बढ़िया है भाई, ठंडा लग रहा है अंदर, मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन गर्मी का दिन है, गलत मत। बैठे हुए कम से कम मेरा 5 से 6 साल हो गया। मैं यहाँ पहले बचपन में आया था, जब उस समय ब्लॉगिंग चालू नहीं किया था, उस समय का बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग आए थे, 4 लोग आए थे 2 बाइक में, और यहाँ पे नहाए थे। वहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वहाँ पे वो झरना के पास हम लोग नहाए थे। लेकिन उस समय का बात कुछ और था और अभी का बात कुछ और है। अभी तो फिलहाल वहाँ पे नहाने नहीं देते हैं, बहुत ही रिस्की हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में किसी का डेथ हो चुका है। और वहाँ पे मतलब नहाने से हाई स्टिक में है, वहाँ पे अगर जाने से भी लोग बहुत ही बोलते हैं और भगा भी सकते हैं आपको। तो इफ़ यू डोंट ट्राई, ये भी एक तो है। और अभी हम लोग आए हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल नज़ारा है। ऊपर में मंदिर, उधर से झरना से पानी गिर रहा है। बचपन में यहाँ पे जो मौज मस्ती किए हैं, आके वो याद फिर से एक बार हम लोग का ताज़ा हो गया। यहाँ से इंसान पूरा इतनी छोटी छोटी दिख रहा है, आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है, बताने से तो नहीं होगा, आप लोग जब यहाँ पे आओगे खुद से देखोगे तब बिलीव कर पाओगे। चारों ओर पहाड़, पानी, झरना, पर्वत। और हमारा दोस्त जो कि बचपन का, धूप सेक रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है। तो गाइस फुल्ली यहाँ का कवर कर चुके हैं और रिव्यू कर चुके हैं और आप लोगों से शेयर किए। और अभी टाइम भी हो गया धीरे धीरे, तो यहाँ से निकलते हैं। और ठंडा का मौसम में भी इतना पहाड़ हम लोग चढ़े, अभी स्टेप चढ़ रहे हैं, बॉडी हीट हो गया, पसीना पसीना। और अभी यहाँ से धीरे धीरे हम लोग निकलते हैं। आप लोग जब आओगे तो बाहर में आप लोगों को ये सब दुकान दिखेगा। और अभी हाल ही में ही यहाँ पे सुनने में आया है कि मेला लगा था, नया साल के लिए मेला लगा था। और हमारा धनु हो गया ये चालू और बाइक हो गया रेडी, बस अब हम लोग निकलते हैं।
गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी यहाँ से हम लोग गाड़ी अभी थोड़ा स्लो किया हूँ क्योंकि नॉइज कैलकुलेशन आता है घर लिए। और चलो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आप सभी से एक और नए लोकेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो बाय बाय, मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।